हेलो एंड वेलकम टू मेगा टेक स्पॉट का आपका यहाँ पे स्वागत है। तो आज मैं आपको करके बताने वाला हूँ रेडमी 8A ड्यूल की अनबॉक्सिंग, और आपको मैं हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। इस फ़ोन की क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है और इसकी डिस्प्ले क्वालिटी और इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी, हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा आपको। और आपको मैं ये बताऊंगा मैंने कितने में ये फ़ोन ख़रीदा और आप भी कितने में खरीद सकते हैं, और इसका मार्केट प्राइस क्या, हर एक चीज़ के बारे में आपको वीडियो के एंड तक हर चीज़ पता चल जाएगा। और गाइस ये मेरी पहली अनबॉक्सिंग है, तो आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी डिले के इस वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं इस Redmi 8A Dual की अनबॉक्सिंग। सो गाइस ये हम लोग का Redmi 8A का ड्यूल कैमरा बॉक्स है इसका, और आप यहां देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह। और यहां पे आप देख सकते हैं इसका 13MP प्लस 2MP AI ड्यूअल रेयर कैमरा है इसका, और फ्रंट सेल्फी कैमरा है इसका 8MP रेयर सेल्फी कैमरा है, और 5000 मेगाहर्ट्ज़ की बड़ी आपको बैटरी मिल जाती है यहाँ पे, और अप टू 18 वॉट फास्ट चार्जिंग इसकी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है इसमें और डॉट नॉच है इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 दिया हुआ है इसका प्रोसेसर, जो कि इस फोन रेंज में आप आई थिंक काफ़ी अच्छा इस रेंज में। और इसका AI फेस अनलॉक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट भी दिया हुआ है 2+1 का, और आई थिंक ये स्प्लैश प्रूफ है, हाँ यहाँ दिया हुआ है स्प्लैश प्रूफ। और आप यहाँ पे इसकी प्राइसिंग देख सकते हैं, तो प्राइसिंग यहाँ पे मार्केट प्राइसिंग मिल जाएगा 8499, और मैंने ये पर्सनली फ़ोन बाई किया है 4729 में, और क्योंकि मैंने एक फ़ोन एक्सचेंज किया था और अभी लिया है मैंने इसको प्राइम डे सेल में जो अभी था ये 4-5 दिन पहले। और ये फ़ोन आपको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ इसकी, तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। और ये यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे कुछ पेपर्स वगैरह मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, जो कि इसमें सब पूरा लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन बारे में, इसमें क्या क्या है वगैरह। तो चलिए इन पेपर्स को रखते हैं साइड में, और अंदर आपको एक सिम इजेक्टर मिल जाता है, आपको यहाँ पे पिन मिल जाती है सिम इजेक्टर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में, और ये है हम लोगों का यहाँ पे फ़ोन मिल जाता है हम लोगों को, ये हम लोग का फ़ोन है। चलिए फ़ोन को बाद में देखेंगे, पहले अंदर देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिलता है हम लोग को। इसमें हम लोग के सी टाइप केबल दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है, इसकी केबल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और साथ में हम लोग को एक चार्जर दिया हुआ है, एक चार्जर है हम लोग का, और अब देखते हैं हम लोग फोन। तो चलिए फोन को निकाल लेते हैं, गाइस ये हम लोग का फोन, और ये हम लोग का सी ब्लू कलर है। कर लिया यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोन को स्टार्ट, और यहाँ देख सकते हैं आपको IPS LCD HD प्लस फुल का डिस्प्ले मिल जाता है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं अबाउट सेक्शन में, अबाउट में जाकर फ़ोन में देखेंगे हम लोग यहाँ पे MIUI वर्जन जो दिया हुआ है आपको 11.0.7 का दिया हुआ है, और एंड्रॉयड वर्जन 9 दिया हुआ है। यहाँ पे स्टोरेज आप देखेंगे यहाँ पे तो 32GB रोम के साथ 2GB रैम आ जाती है यहाँ पे, और ओवरऑल देखेंगे तो इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, HD प्लस फुल का डिस्प्ले मिल जाता है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाटरड्रॉप नॉच दिया हुआ है, साथ में कैमरा काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और पीछे की तरफ देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो उसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब हाथ में भी देखने में अच्छा दिखेगा। और ड्यूल कैमरा दिया जाता है यहाँ पे, ड्यूल कैमरा साथ फ्लैश भी दिया जाता है। साइड में देखेंगे तो हम लोगों को वॉल्यूम रॉकर बटन दिया जाता है, और साथ में नीचे पावर ऑन ऑफ का बटन दिया, और नीचे की तरफ देखेंगे तो स्पीकर ग्रिल दिया जाता है। यहाँ पे सी टाइप पोर्ट के साथ आपको प्राइमरी और सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया जाता है, साथ में 3.5mm का जैक भी है। और यहाँ पे इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी आ जाती है, 5000 mAh की बैटरी लाइफ आ जाती है, और ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलेशन के लिए भी दिया हुआ अच्छी तरीके से। तो अच्छा फ़ोन है, मतलब आप ले सकते हैं इस फ़ोन को। और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मतलब 6.2 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, और आपको ये अमेजोन में अगर आप लेंगे तो आपको 7500 के अराउंड मिल जाएगा। और चलिए यहाँ तक रिव्यू, आपको अच्छा लगा हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट।